Assalamualaikum and welcome to Wild Rush. चोलिस्तान डेजर्ट से कश्मीर के खूबसूरत जंगलों में मैं आपको मिलवाने के लिए लाया हूँ एक नॉक्टर्नल उड़ने वाले ग्लाइड करने वाले फ्लाइंग रोडेंट से जिसके बारे में आपने सिर्फ सुना होगा देखा नहीं होगा। तो इस जंगल में 4 रातें और 5 दिन गुजारने के बाद हमने उस चालाक शातिर सब्जेक्ट को पकड़ लिया है। तो आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है। बने रहेगा मेरे साथ और देखते रहेगा वाइल्ड रश। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो नॉक्टर्नल रोडेंट है, मतलब कि रात के वक्त वो एक्टिव होते हैं, उनको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन हमने यहाँ पे लोकल्स की हेल्प के साथ उसको पकड़ लिया है। रात में पकड़ा था तो रात में वीडियो बनाना मुझे मुनासिब नहीं लगा, तो मैंने दिन में उसे जो है एक दरख्त के साथ बांधा हुआ है ताकि आपके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन कर सकूँ। कश्मीर में हूँ जिसका मतलब है कि बारिश कभी भी आ सकती है। तो वीडियो को शॉर्ट बनाते हैं, मिलिए हमारे आज के कंटेंट हमारे आज के नायाब सब्जेक्ट से जिसका साइंटिफिक नेम है इयोग्लेकैम्पस सिम्ब्रायटिस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कश्मीर फ्लाइंग स्क्विरल। तो आज मैं ग्लव्स का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि इसके दांत बहुत बड़े होते हैं, अगर उसने मुझे बाइट कर लिया तो मेरी उंगली के आर पार या हाथ के आर पार हो सकते हैं। तो ये है हमारी कश्मीर फ्लाइंग स्क्विरल जिसका ताल्लुक जो है स्क्विरिडी फैमिली से है। इस फैमिली में 16 जनरा होती हैं और 50 स्पेशीज पाई जाती हैं। इसकी कोई सब स्पेशीज नहीं है बल्कि ये खुद ही एक स्पेशीज है। तो पाकिस्तान में 3 तरह की फ्लाइंग स्क्विरल पाई जाती हैं, जॉइंट रेड फ्लाइंग स्क्विरल, नंबर 2 है कश्मीर फ्लाइंग स्क्विरल और नंबर 3 है वॉली फ्लाइंग स्क्विरल। तो अगर बात करें किन किन कंट्रीज में पाई जाती है तो ये पाकिस्तान में इंडिया में पाई जाती हैं। तो कश्मीर की लोकल जुबान में इसको खरीस कहा जाता है, इसको उडन गुलहरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बात करते हैं किस तरह के हैबिटेट में रहना पसंद करती है। ये नॉक्टर्नल जो है बहुत गंदा बाइट किया इसने, तो ये गुस्से में है अब। तो ये नॉक्टर्नल रोडेंट होते हैं जिसका मतलब है कि रात के वक्त जो एक्टिव होते हैं, रात के वक्त अपनी खुराक की तलाश में रहते हैं और काफ़ी दर्द हो रही है। तो ये मॉइस्ट टेम्परेचर वाले जगहों पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे नमी हो, जहाँ पे बारिश का सीज़न होता रहे। तो ये पाइन्स के दरख्त पे आपको हमेशा नज़र आएंगी, ओक के दरख्तों पे आपको जो है दूसरे दरख्तों पे छलांगें मारती हुई नज़र आएंगी, अखरोट के दरख्त पे रात के वक्त आपको अखरोट खाती हुई नज़र आएंगी। तो अब बात करते हैं इसकी नेस्टिंग की। 1.5 से 2 हफ्ते लगते हैं इसको घोंसला बनाने में, नेस्ट बनाने में, बिल्कुल एक कप की सूरत में, बाउल की सूरत में जो ये घोंसला बनाती है। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं इसका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी कश्मीरी फ्लाइंग स्क्विरल जो है ये 1 सीज़न में 2 बार बच्चे देती है, 2 से 4 तक, जिसका मतलब है कि गर्मियों की स्टार्टिंग में 2 से 4 बच्चे देगी और फिर अगले सेशन में 2 से 4 और बच्चे देगी। वो बच्चे जो हैं सर्दियों के एंड तक नेक्स्ट ब्रीड करने के लिए मतलब जवान हो जाते हैं, फुली एडल्ट हो जाते हैं। तो फीमेल जो है बच्चों को पैदा करने के लिए बिल्कुल बेहतरीन लोकेशन को जो है सिलेक्ट करती है, जो दरख्त सबसे टॉप पे होता है, सबसे सेफ होता है, जहाँ से वो बच्चे जो है शिकारियों से महफूज रहें और जहाँ पे ये खाना लेके अपने बच्चों को इसी जो है खिला सके, ये उस दरख्त का जो है इंतखाब करती है। तो अब इसको दरख्त से उतारते हैं और आते हैं इसके बॉडी टेक्सचर बॉडी शेप की तरफ। काफ़ी गुस्से में है ये। तो फाइनली मैंने इसको अपने हाथ के ऊपर बैठा लिया है, बाइट ना करे। तो सबसे पहले आते हैं इसकी आंखों की तरफ। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये एक नॉक्टर्नल रोडेंट है जिसका मतलब है कि ये रात के वक्त एक्टिव होते हैं और इनकी देखने की ताकत बहुत कमाल की होती है। हमने इसको पकड़ने के लिए बहुत सारे दरख्तों के ऊपर ट्रैप लगाए थे, लेकिन जैसे ही ये हमारे ट्रैप के ऊपर आती थी ये वहाँ से जंप लगा के भाग जाती थी। तो आ गई है हमारे हाथ के ऊपर। आप इसके आप कान देखें ज़रा, कितने कमाल के हैं, कितने बड़े हैं, जिससे बहुत बेहतरीन तरीके से हल्की सी हल्की आवाज़ को भी सुन सकती है। तो इसका बालों का टेक्सचर देखें, बफ ब्राउनी कलर जो है इसके बालों का है और नीचे से ये थोड़ी ऑफ वाइट होती है। आपको इसके आगे वाले जो हाथ नज़र आ रहे हैं इसमें 4 उंगलियां होती हैं और जो इसके पीछे वाली जो बड़ी टांगें होती हैं इसमें 5 उंगलियां होती हैं, बिल्कुल जैसे हमारे हाथों की उंगलियां होती हैं बिल्कुल। तो अब आते हैं इसके ख़तरनाक दांतों की तरफ जिससे हमेशा खतरा रहता है, जिससे ये अखरोट में जो है बहुत आसानी के साथ जो है सुराख कर देती है। ये देखें कितने बड़े दांत हैं इसके, जिससे ये अखरोट में बहुत आसानी के साथ जो है सुराख कर देती है। तो एक बार फिर से देख लें। तो इसके आगे वाली टांग और पीछे वाली टांग के दरमियान आपको जो झल्ली सी जो चादर सी नज़र आती है इसको पेटागियम कहा जाता है। इसी पेटागियम के थ्रू ये ग्लाइड करती है
और अभी आपको ये इसकी खूबसूरत बड़ी सी टेल नज़र आ रही है, ये टेल इसको हवा में बैलेंस करने में मदद देती है, जिसकी वजह से ये उलट पुलट नहीं होती, सीधा अपने टारगेट पर जाके ये बैठ जाती है। तो इसकी नाक से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई जो होती है मैक्सिमम ये 13 इंच की होती है, और इसकी टेल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12 इंच के करीब हो सकती है। पाकिस्तान में अगर आपको कोई फ्लाइंग स्क्विरल नजर आए और उसकी टेल की टिप ब्लैक हो तो समझ लें कि वो है हमारी कश्मीरी फ्लाइंग स्क्विरल। तो ये फ्लाई नहीं करती, हमेशा इसको फ्लाइंग स्क्विरल के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बताऊँ, ये ग्लाइंड करती है। ग्लाइंड मतलब जैसे पैराशूट से हम जो है हाइट से छलांग लगाते हैं, हाइट से लो लेवल तक आते हैं, वैसे ही हमारी ये फ्लाइंग स्क्विरल जिसका नाम होना चाहिए ग्लाइंड स्क्विरल। तो ये दरख्तों के टॉप पे चढ़ती है, और जो इसको दरख्त थोड़ा सा नज़र आता है, छोटा नज़र आता है, टॉप से छोटा दरख्त नज़र आता है, ये वहाँ पे जो है फिर ग्लाइंड करके जाती है। इसकी मैक्सिमम जो है ग्लाइंड 50 मीटर तक रिकॉर्ड की गई है। तो ये है हमारी ग्लाइंड स्क्विरल, नॉट फ्लाइंग स्क्विरल। इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताऊँ कि ये 180 डिग्री पे भी भागती हुई आप मुड़ सकती है, पीछे मुड़ सकती है। जब इसको खतरा हो, भाग रही हो, इसके पीछे कोई शिकार हो, तो ये 180 डिग्री पे जाके भी जो है ये अचानक से मुड़ सकती है, टर्न कर सकती है। तो अब आते हैं इसकी खुराक की तरफ, ये किन चीज़ों को खाना पसंद करती है। ये अखरोट खाना पसंद करती है। अखरोट की देखिए क्या हालत करती है, खुद ही अंदाजा लगा ले इसने मुझे कितनी बार बाइट किया तो मेरे हाथ की हालत क्या हुई होगी। अखरोट देखें बिल्कुल यही। और इसके अलावा ये पाइन कॉर्न्स खाना पसंद करती है। पाइन इस कॉर्न्स के अंदर जो है चलगोजी की तरह के कुछ बीज होते हैं, उसको खाना पसंद करती है। ये पाइन कॉर्न देख लें, खाने के बाद इसकी ये हालत कर देती है। और अखरोटों की ये देखें क्या हालत कर देती है। तो इसी वजह से यहाँ के लोकल लोग जो हैं इनसे ज़्यादा तंग होते हैं, क्योंकि ये उनकी जो है फलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो अब आते हैं इनके शिकारी की तरफ, इनके प्रेडेटर्स की तरफ। येलो थ्रोटेड मार्टिन जो है वो इनका शिकार कर लेता है, वुड आउल जो है वो इनका शिकार कर लेता है, और कभी कभार इंसान गुस्से में आकर तंग आकर इनका शिकार कर लेते हैं, क्योंकि ये उनके दरख्तों पे लगे फलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो अगर इनकी लाइफ टाइम लाइफ स्पैन की बात करें तो ये वाइल्डनेस में 5 से 6 साल तक जिंदा रह सकती हैं, लेकिन अगर आप इसको हैंड टेम करते हैं, आप इसको अपना पेट बनाते हैं, तो ये 10 से 12 साल तक जिंदा रह सकती है। स्टेटस की बात करें तो ये लीस्ट कंसर्न है, मतलब कि कश्मीर में इस इलाके में यहाँ पे इनकी तादाद को कोई ख़तरा नहीं है। तो ये थी योगले कैंपस फिम्ब्रायटिस, मतलब कि कश्मीर फ्लाइंग स्क्विरल उडन बलहरी खरीस के बारे में शॉर्ट सी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो अब टाइम है इसको रिलीज़ करने का, इसको आज़ाद करने का। तो इससे पहले कि यह मेरे ऊपर बाइट कर दे, मैं इसको जो है आज़ाद कर देता हूँ। पप्पी तब करूँगा जब इसको रिलीज़ करूँगा, लेकिन सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। तो रस्सी इसकी अभी हमने खोल दी है। तो अब टाइम है इसको आज़ाद करने का, इसको रिलीज़ करने का। वो पत्थर वाली लोकेशन जो है बहुत कमाल की है, वहाँ पर जाके मैं इसको करने वाला हूँ रिलीज़। रिलीज करने से पहले एक पप्पी तो बनती है। 3, 2, 1 वो गई। बाय बाय।